हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक दोस्तों, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये होते क्या, देखिए, जो देखने में एक समान होते हैं मगर उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो उन्हें हम देखेंगे, उनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, और इनको शब्द युग्म भी बोलते हैं। ठीक, शब्द युग्म, क्योंकि ये क्या होते हैं, जोड़े होते हैं दोस्तों, ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अनल और अनिल पूछ लेते हैं ना, अनल और अनिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ठीक, तो ये पूछ लेते हैं अनल और अनिल। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं अनल और अनिल, ये पूछते हैं कभी कभार। देखिए, ये क्या है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, केवल थोड़ा सा अंतर है, मगर इनके अर्थों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे अनल मीन्स क्या होता है, आग हो जाता, और अनिल मीन्स हवा हो जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में है दोस्तों। यही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहु, बहु और बहु में क्या अंतर। देखिए, यहाँ पर छोटे उ की मात्रा बहु, और ये क्या है, बड़े उ की मात्रा बहु, तो इसमें क्या अंतर है दोस्तों। देखिए, बहु मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक या फिर बहुत होता है दोस्तों, और बहु मीन्स क्या होता है, वधु होता है दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए, बहु मीन्स क्या होगा, बहुत हो जाएगा, और बहु मीन्स क्या होता है, वधु होता है ना, वर वधु आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वधु बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सूक्ति और सूक्ति में क्या अंतर है। ठीक दोस्तों, सूक्ति और सूक्ति में क्या अंतर है, सूची बुद्धि कहावत सीपी सूक्ष्म तीक्ष्ण या लोकोक्ति या फिर स्वच्छ दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, कहावत और सीपी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, सूक्ति मतलब क्या होता है, कहावत, और सूक्ति में इसका होता है सीपी दोस्तों। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुर और सूर का क्या होगा अर्थ। ठीक, सुर और सूर शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। देखिए, सूर मीन्स क्या होता है और सुर मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि सुर मीन्स क्या होता है, देवता। क्या होता है दोस्तों, देवता, और सूर मीन्स क्या होता है दोस्तों, अंधा। ठीक, आपको पता होगा सूर मीन्स क्या होता है दोस्तों, अंधा होता है दोस्तों, और सूर मीन्स सूर्य भी होता है, आपको देखा होगा, सूर सूर तुलसी सस्की दोस्तों। तो ठीक है, तो आपको पता होगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। सुर सूर है ना, सुर मीन्स क्या होता है, देवता, सूर मीन्स क्या होगा, अंधा। ठीक, सूर व्यक्ति यानी अंधा। चलिए अगला है, सुमन और सुवन में क्या अर्थ होगा। सुवन और सुमन का क्या अर्थ होगा दोस्तों, ये है आपका शब्द युग्म। पुष्प हनुमान, पुष्प पुत्र, पुष्प जंगल, या फिर पुष्प सुगंधित दोस्तों। तो आपको पता होगा सुमन मीन्स क्या होता है, पुष्प होता है, और सुवन मीन्स क्या होता है, पुत्र होता है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, पुष्प और पुत्र दोस्तों। अगला देखते हैं, सुधि और सुधी का शब्द युग्म का अर्थ होगा। सुधि और सुधी का शब्द युग्म का अर्थ होगा दोस्तों, स्मरण अमृत, नदी समुद्र, या विस्मरण याद, या फिर याद और विद्वान दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुधि मीन्स क्या कहते हैं आपको, सुधि नहीं थी क्या, मतलब याद नहीं थी, और सुधि मीन्स क्या होता है, विद्वान। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सर और सर का युग्म का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। सर और सर का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए, इस सर का मतलब क्या होता है, ताल, ये तालाब जिसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इस सर का मतलब क्या होता है, तालाब, और इस वाले सर का मतलब क्या होता है, बाढ़। ठीक, आपको पता होगा बाढ़ होता है दोस्तों। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या मिल रहा है, सी नंबर बिल्कुल राइट मिल रहा है दोस्तों। चलिए अगला है, समान और सामान में क्या अंतर है दोस्तों। समान और सामान क्या ना, इसके समान है, समान मतलब क्या होता है, ये तरह हो जाएगा, और सामान में इसका होता है सामग्री। तो कौन सा जाएगा, हमारा ए ही नंबर सही दिख रहा है दोस्तों, हमारा सेवन का ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा, सकल और शक्ल में क्या अंतर है दोस्तों। सकल और शक्ल में क्या अंतर है दोस्तों, इसका आपको बताना है। देखिए, सकल मीन्स, सकल मीन्स क्या होता है, सूरत होता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए, यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, तो देखिए, सकल मीन्स क्या होता है, सारा। ठीक, सकल मीन्स क्या होता है, सारा दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला है, संघ और संघ में क्या अंतर है। देखिए, संघ और संघ में क्या
क्या अंतर होता है दोस्तों वो आपको बताना है। देखिए संघ में इसका होता है संगठन और संघ में इसका होता है साथ, ठीक दोस्तों। इनके संघ जा रहे हैं मतलब उनके साथ जा रहे हैं, ठीक, और संघ बनाना मतलब क्या संगठन बनाना, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रवण और श्रवण में क्या अंतर दोस्तों, श्रवण और श्रवण में क्या अंतर है मेरे दोस्तों। तो देखिए श्रवण में इसका होता है सुनना और श्रवण में इसका होता है बौद्ध सन्यासी दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों। दसवां का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, श्रवण में सुनना और श्रवण में इसका होता है बौद्ध सन्यासी दोस्तों। चलिए अगला है वित्त और वृत्त में क्या अर्थ होगा, तो वित्त और वृत्त में क्या अंतर है दोस्तों, तो ये आपको बताना है अंतर क्या, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना दोस्तों, ठीक। वृत्त मतलब क्या होता है, घन होता है, ठीक दोस्तों, धन होता है, ठीक। वित्त मतलब क्या होता है, धन होता है दोस्तों, और वृत्त में इसका होता है गोला, तो वित्त और वित्त है ना, समझ लेंगे, वित्त मतलब क्या होता है धन होता है और वृत्त में इसका होता है गोलाकार, ठीक। तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है वास और बास में क्या अंतर, वास और बास, देखिए वास में इसका होता है निवास स्थान, जैसे बोलते हैं ना हमारा ये वास स्थान है, तो वास में इसका होता है निवास, और बास में इसका कहते हैं बास आ रही है मतलब दुर्गंध है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बास में इसका होता है गंध होता है, ठीक। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है वारिस और वारिस में क्या अंतर है दोस्तों, वारिस और वारिस में क्या अंतर होता है दोस्तों, देखिए वारिस मतलब क्या होता है, बारिस और वारिस वारिस होना चाहिए दोस्तों, ठीक, वारिस ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वारिस में इसका होता है वर्षा और वारिस मतलब क्या होता है दोस्तों, समुद्र, तो वर्षा और समुद्र दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है वाद और वाद्य, ठीक, वाद और वाद्य में क्या अंतर है दोस्तों, तो वाद में इसका होता है तर्क और वाद्य में इसका होता है बाजा, है ना, आपको पता है वाद्य यंत्र, तो बाजा बजाने वाले जो यंत्र होते हैं दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीति और नीति में क्या अंतर है, तो रीति और नीति में क्या अंतर है, रीति मतलब क्या होती है प्रथा, नीति मतलब क्या होती है किनारा, ठीक, तो प्रथा और किनारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रत और रति, ठीक, रत में इसका होता है लग्न या लीन और रत में इसका होता है प्रेम, देखिए स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस, स्थायी भाव कहता है रति, रति मतलब कहता है प्रेम, ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलद और जलज, है ना, देखिए जलद जल और प्रदा, दामिस देने वाला, जल देने वाला कौन, बादल, और जल जल और जामिस उत्पन्न, तो जल में उत्पन्न कौन, कमल, तो बादल और कमल क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर दोस्तों, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या है, बादल और कमल दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेल और मैल में क्या अंतर है, मेल मिस क्या है और मैल मिस क्या है दोस्तों, देखिए मेल मिस होता है मिलना और मैल मिस क्या होता है गंदगी दोस्तों, ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय और भारतीय में क्या अंतर होगा दोस्तों, तो भारतीय और भारतीय में क्या अंतर होगा, देखिए भारतीय मतलब क्या होता है, भारतीय मतलब होता है भारतवासी, और भारतीय मतलब क्या होता है सरस्वती जी का नाम भारतीय दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है बात और वात का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, बात और वात का सही अर्थ क्या होगा, देखिए बात मतलब क्या होता है वचन और वात मींस क्या होता है हवा, ठीक, वचन और हवा दोस्तों हमारा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है बहु और बहु में क्या अंतर होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा बहु मतलब क्या होता है बहुत और बहु में इसका होता है वधु दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बद्ध और वृद्ध में क्या अंतर है, ठीक, बद्ध और वृद्ध में क्या अंतर है दोस्तों, बद्ध में इसका होता है बंधा हुआ और वृद्ध में इसका होता है, वृद्ध में इसका होता है बूढ़ा व्यक्ति, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिहार और प्रत्याहार में क्या अंतर है दोस्तों, प्रतिहार और प्रत्याहार में क्या अंतर है दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन देखिए, प्रतिहार नौकरी नौकरानी द्वारपाल निवारण या फिर नौकर मालिक या द्वारपाल उपाय, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिहार मतलब होता है द्वारपाल और प्रत्याहार मतलब निवारण दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, पास और पार्श्व का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो पास में इसका होता है पास और पार्श्व में इसका अंतर होता है, पास में इसका बगल में, ठीक, और सॉरी पास में इसका होता है बंधन, ठीक, और पार्श्व में इसका होता है बगल में, तो बंधन और बगल में हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, परिणाम और परिमाण में क्या अंतर दोस्तों, देखिए परिणाम मतलब क्या होता है नतीजा और परिमाण मतलब क्या होता है मात्रा, ठीक, नतीजा और मात्रा दोस्तों, ठीक, परिणाम में इसका होता है नतीजा, है ना, परिणाम आ गया मतलब क्या रिजल्ट आ गया, और परिमाण मतलब क्या होता है मात्रा, कितनी मात्रा दी जाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमित और परिमिति में क्या अंतर है, परमित और परमित में क्या अंतर है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चरम सीमा और मर्यादा, ठीक, परमित मतलब क्या था मर्यादा और परमित मतलब चरम सीमा दोस्तों। चलिए अगला है नीरद और नीरज का सही युग्म क्या होगा दोस्तों, देखिए नीरद में इसका नीरदा
नीर और प्लस दा मीन्स देने वाला अर्थात बादल हो जाएगा दोस्तों, और नीरज नीर प्लस जा मीन्स उत्पन्न होता दोस्तों, तो उत्पन्न होने वाला कमल, तो बादल और कमल है हमारा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है नीर और नीड, देखिए नीर मीन्स क्या होता है आपको पता जल होता है, और नीड मीन्स क्या होता है घोंसला दोस्तों, नीड का निर्माण फिर ना, तो घोंसला होता है दोस्तों पक्षी द्वारा बनाया गया घर, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं निशाकर निशाचर का सही शब्द विच्छेद का, निशाकर और निशाचर, देखिए निशाकर का होता है रात को, निशा को करने वाला यानी रात को करने वाला कौन चंद्रमा, और निशाचर मीन्स क्या होता है राक्षस दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है देव और दैव, देव और दैव, देखिये देव मीन्स क्या होता है देवता, और दैव मीन्स क्या होता है भाग्य, दैव दैव आलसी पुकारा दोस्तों आपने सुना होगा, तो दैव मतलब आता भाग्य को आलसी पुकारते दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सॉरी देव और दैव, देवता और भाग्य, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूत और द्यूत में का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो दूत और द्यूत का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्रतिनिधि और जुआ, ठीक है तो प्रतिनिधि और जुआ, देखिए दूत हमारा भेजेगा यानी प्रतिनिधि इस तरफ से भेजेगा दोस्तों, ठीक तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्या है दग्ध और दुग्ध में क्या अंतर दोस्तों, दग्ध और दुग्ध में, दग्ध मीन्स क्या होता है जला हुआ, और दूध मीन्स दुग्ध मीन्स होता है दूध, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है तरणी और तरणी में क्या अंतर है, तरणी मीन्स क्या होता है दोस्तों, और तरणी मीन्स क्या होता है तरणी मीन्स क्या होता है नाव, और तरणी मीन्स क्या होता है सूर्य, तो नाव सूर्य कौन सा है हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन तनु और तनु का क्या अंतर है, तनु और तनु दोस्तों हमारा सही ऑप्शन का, तनु मतलब क्या होता है दुबला, और तनु मतलब क्या होता है पुत्र, तो दुबला पुत्र कहाँ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है जलद और जलज, जलद और जलज का क्या अर्थ होता है, जलद मीन्स जल को देने वाला अर्थात बादल हो जाएगा, जलज मीन्स जल में उत्पन्न अर्थात कमल हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है छात्र और छात्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी युग्म क्या होगा दोस्तों, तो छात्र मीन्स क्या होता है विद्यार्थी, और छात्र मीन्स क्या होता है क्षत्रिय, तो विद्यार्थी और छत्री दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का गृह और ग्रह में क्या अंतर है दोस्तों, गृह और ग्रह में क्या अंतर है दोस्तों, तो आपको पता होगा जिसमें ऋषि की सॉरी ऋषि की मान्यता लगती है वो घर होता है दोस्तों, और ये गृह क्या होता है एक तारा होता है दोस्तों, तो घर और तारा दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है गढ़ और गण्य में क्या सही होगा, तो गढ़ और गण्य में क्या होगा, गढ़ मतलब समूह और गण्य में से गिनने योग्य, ठीक दोस्तों तो समूह और गिनने योग्य, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कुल और कुल में क्या अंतर होता है दोस्तों, कुल मीन्स क्या होता है, कुल मीन्स क्या होता है वंश, कहे हमारा कुल ये है, और कुल मीन्स क्या होता है किनारा, तो वंश और किनारा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कटिबंध और कटिबद्ध, देखिए कटिबंध और कटिबद्ध में क्या अंतर होता है दोस्तों, कटिबद्ध मतलब क्या कमर बंध है ना, जो कटि मतलब क्या कमर, और बंध मीन्स बांधने वाला है, तो कमर बंध जो होता है औरतों का क्या होता है गहना होता है दोस्तों, और कटिबद्ध मतलब तैयार रहना तत्पर है ना, तत्पर तैयार रहना, तो हमारा क्या हो जाएगा कमरबंद और तत्पर, ठीक। चलिए अगला है आसन और आसन क्या होता है, आसन और आसन क्या होता है 41 नंबर क्वेश्चन है, तो आसन मतलब क्या होता है बैठने की वस्तु, और आसन मतलब क्या निकट, ठीक है आसन मीन्स क्या होता है बैठने की वस्तु, और आसन मतलब क्या होता है निकट, ठीक तो बैठने की वस्तु और निकट, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्त्र और आर्द्र में क्या अंतर है दोस्तों, आर्त्र मीन्स क्या होता है दोस्तों ये बताना है दुखी होता है, और आर्द्र मीन्स क्या होता है गीला, तो दुखी और गीला हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल। अगला है आभरण और आमरण, देखिए आमरण मतलब क्या मरण तक है ना, और आभरण मतलब क्या होता है दोस्तों आभूषण, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आभूषण और मरण तक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आदि और आदि और आदि में अंतर क्या होता है दोस्तों, यदि यही इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, तो क्या होता है आदि मीन्स क्या होता है आरंभ, और आदि मीन्स अभ्यस्त हो जाता है दोस्तों, तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा ए नंबर आरंभ और अभ्यस्त दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अवस्था और आयु का सही शब्द क्या होगा दोस्तों, देखिए अवस्था और आयु का सही क्या होगा दोस्तों, जीवन का भाग या संपूर्ण जीवन काल, तो बिल्कुल सही है अवस्था में इसका जीवन का भाग होता है, और आयु में इसका होता है संपूर्ण जीवन काल होता है, और दूसरा है संपूर्ण जीवन काल जीवन का भाग, तो ये भी सही है दोस्तों, तो हमारा क्या होगा आ और ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है अली और आली में क्या अंतर होता है, देखिए अली और आली क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भौंरा और सखी दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कई बार पूछा भी जा चुका है, भौंरा और सखी होता है अली अली है ना। चलिए अगला है अंबुज और अम्बुज, देखिए अंबुज जा मीन्स उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, अंबु मतलब पानी, तो पानी से उत्पन्न कौन कमल, और अंबुज अंबु मीन्स पानी, धी मीन्स धारण करने वाला, पानी धारण कौन करेगा दोस्तों, तो सागर कर लेगा समुद्र कर लेगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कमल और सागर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों अमित और अमित,
अमित और अमित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अमित मीन्स क्या होता है? बहुत। अमित देखिए, अमित मीन्स क्या होगा? बहुत। ठीक है, बहुत हो जाएगा। अमित देखिए, अमित मीत मीन्स क्या होता है? मीत मतलब होता है मितुआ, है ना, मीत मतलब मित्र होता है, और अमित मतलब आ लग जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब दुश्मन, है ना, शत्रु। तो अमित मीन्स क्या, अमित मीन्स क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा दोस्तों। अगला है उपकार और अपकार, और उपकार का सही संधि विच्छेद, सही क्या आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, उपकार। अपकार क्या होता है दोस्तों? अपकार मीन्स बताना है, और उपकार मीन्स, अपकार मतलब क्या होता है? बुराई, और उपकार मीन्स भलाई दोस्तों। तो अपकार, बुराई और भलाई हमारा कहाँ हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर बिल्कुल राइट। देखिए 49 क्वेश्चन हमने बता दिया, 50वां क्वेश्चन आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। अनल और अनिल का मतलब क्या होगा दोस्तों? ये यही चीज़ हमने सेम पहले, सबसे पहले यही हमने बताया, तो इसका अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। और क्लास कैसी लगी आपको हमें जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चलिए